खबर आ रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयान देने वाले अपने एमएलसी को बीजेपी ने नोटिस भेजा है। बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने नोटिस देकर टुन्ना पांडे से जवाब मांगा है। टुन्ना पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की धमकी दी थी। सीवान के एम्बुलेंस घोटाले में अपना नाम आने के बाद टुन्ना पांडे ने नीतीश पर घोटाले का आरोप लगाया था। साथ ही ये भी कहा था कि वो नीतीश को अपना नेता नहीं मानते हैं। और अब खबर आ रही है कि बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को नोटिस भेजा है। बीजेपी की अनुशासन कमेटी ने टुन्ना पांडे को नोटिस भेजकर कहा है कि वे कारण बताएं कि ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की टुन्ना पांडे ने धमकी दी थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि टुन्ना पांडे के किस बयान से बीजेपी को मजबूर होकर नोटिस भेजना पड़ा है। नीतीश कुमार के फोन कोला में थोड़ी हमारा जन्म हुआ है जी, सो बताइए ना। हमारा अपना इतना बड़ा घर द्वार है, हम अपने बाप माँ के पेट से पैदा हुए हैं। नीतीश कुमार के हमारा जन्म हुआ है और नीतीश कुमार के रहमो करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ठेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ही ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं न चुनाव जीते हैं और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है, सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश कुमार पटना से सीधे जुड़ गए हैं। प्रकाश, जो विधायक के बोल हैं वो चुभने वाले हैं लेकिन सच भी हैं। देखिए, जो भी टुन्ना जी पांडे ने कहा है उसको लेकर के कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली में हैं, उनके हवाले से फ़ोन पर यह बताया गया है कि अनुशासन समिति ने फैसला लिया है कि उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस का वो जो जवाब देंगे उस पर वो कार्रवाई संभव है कि अगर जवाब में उनको संतोषजनक नहीं मिलता है तो उन पर उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है विकास कि टुन्ना जी पांडे, ये कोई पहला मौका नहीं है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ में कहा है। ये कार्रवाई या ये जो नोटिस दी गई है वो दरअसल जेडीयू की तरफ से जब आवाज़ उठाई गई, जेडीयू के प्रवक्ता और जेडीयू के नेता सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि टुन्ना जी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर के बीजेपी उनके खिलाफ में एक तरह से मजबूरन ये नोटिस सर्व किया गया है। तो प्रकाश कुमार बता रहे हैं कि मजबूरन ये नोटिस सर्व किया गया है क्योंकि जेडीयू की तरफ से लगातार टुन्ना पांडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई जा रही थी। उधर टुन्ना पांडे के बयान से जेडीयू नाराज़ है। जेडीयू ने कहा है कि कोई माइका लाल नीतीश कुमार को जेल नहीं भिजवा सकता है। वहीं आरजेडी बीजेपी जेडीयू की लड़ाई में चुटकी भी ले रही है। प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, अब ये लड़ाई जो है वो ऐसा लग रहा है कि नोटिस कानूनी पचड़े में पड़ जाएगी, नोटिस दिया जाएगा तो पार्टी को कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, ऐसे में टुन्ना पांडे के तेवर और भी बागी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने विकास बताया कि पहले से ही वो बागी है। इसके पीछे थोड़ा जाना होगा कि टुन्ना पांडे जो है उनका पहले शराब से जुड़ा कारोबार था और जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद से लगातार उनको नुकसान हुआ था और इस मामले में काफी तूल भी पकड़ा था। प्रकाश कुमार जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। टुन्ना पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। टुन्ना पांडे जी, जो आपको नोटिस दिया गया है उस नोटिस के बाद आपका क्या कहना है? पार्टी ने आपको कहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नहीं करें? सर, हमको कोई नोटिस प्राप्त ही नहीं हुआ है। सर, हमें नोटिस कोई न व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है न कार्यालय से प्राप्त हुआ है। सर, हमको नोटिस मिला रहता तब ना सर, हमको तो नोटिस अभी प्राप्त ही नहीं हुआ है सर। अच्छा, लेकिन पार्टी ने बताया है कि आपको नोटिस भेजा जा रहा है। तो भेजा जा रहा है, स्वागत है उसके लिए सर। नोटिस आएगा हम जवाब देंगे सर, नोटिस का स्वागत है, हम इंतजार कर रहे हैं नोटिस का सर। हम कहते हैं व्हाट्सएप पर भी पार्टी नोटिस भेज देती है, हम जवाब उसका व्हाट्सएप पर दे देंगे सर, लेकर के पार्टी कार्यालय में जमा कर देंगे, नोटिस का स्वागत है सर। अच्छा, तो ये आपने जो बयान दिया कि पहले 2 नंबर पर पार्टी थे मुख्यमंत्री बन गए, 3 नंबर की पार्टी है मुख्यमंत्री बन गए, ये तो सच है, लेकिन आपको ये कहने की जरूरत क्या थी? पार्टी के भीतर, गठबंधन के भीतर गठबंधन धर्म का पालन करना होता है, अपने आप को संयम में रखना होता है। सर सर सर, देखा जाए जो हकीकत बात है उसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है सर। जो हकीकत है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी पिछले बार 2 नंबर की पार्टी थे और ऐसी परिस्थिति बिहार में बनी कि मुख्यमंत्री उनको बनाना पड़ा,
चाहे आरजेडी थी तभी मुख्यमंत्री वो थे, फिर बीजेपी में मिले तभी मुख्यमंत्री वो थे, इस तरह की परिस्थिति बन गई थी। अभी भी वो तीन नंबर की पार्टी है सर, लेकिन बिहार की ऐसी परिस्थिति बन जा रही है कि वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं सर। हम ये तो नहीं बोल सकते ना सर कि सबसे बड़े दल के नेता है मुख्यमंत्री है, हमसे झूठ साफ नहीं बोला जाएगा ना सर। हम तो नहीं, तो आप कह रहे हैं कि आप जेल भिजवा देंगे मुख्यमंत्री को, जेल कैसे भिजवा देंगे? घोटाले के आरोप तो आपके ऊपर लग रहे हैं कि आपने तीन गुना दाम में एम्बुलेंस खरीदी। नहीं, एम्बुलेंस खरीदी सर, क्रय समिति खरीदती है सर, जनप्रति नहीं खरीदता है सर। पर उस एम्बुलेंस के दाम 38 लाख रुपया है सर, इविंगर गाड़ी में। हम पर कोई आरोप नहीं लगा है सर, उसकी कमिटी बनी है, जांच कर रही है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है सर। और रह गई सर उनको विषय में, हमने कहा कि वो भी फंसेंगे, हमने नहीं कहा कि जेल भेजेंगे, वो भी फंसेंगे, क्योंकि 2009 और 2012 में एक शराब कांड हुआ था जिसका खुलासा हम करेंगे बहुत जल्दी, हमारा थोड़ा स्वस्थ चल रहे हैं, जब समय आएगा तो आपके सामने उसका खुलासा करेंगे और उसकी जांच होगी। उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, तो आरोप तो उन पर गठित होगा ना सर। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि आप शराब के कारोबार में जुटे हुए थे और शराबबंदी से आपको नुकसान हुआ है, इसलिए आप सारा गुस्सा जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ निकाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, देखिए सर, व्यक्तिगत तौर पर हम नीतीश कुमार जी पर इसलिए गुस्सा हमारी है कि पार्टी पर नहीं गुस्सा है, हम नीतीश कुमार पर इसलिए गुस्से रहते हैं कि नीतीश कुमार जी पहले जो कहते थे वो करते थे, अब जो कहते हैं सो नहीं करते हैं। उन्होंने शराब की घर घर उन्होंने बिक्री कराई, पंचायत स्तरीय दुकान उन्होंने खोलवा दिया, उन्होंने लाइसेंस दिया, उन्होंने 2019 तक हमको लाइसेंस दिया दारू के लिए। हमने बाहर से पार्टी बुलाकर लाई, चार कंपनियां हमने बाहर से बुलाकर लाई, उसमें उस कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। चार साल पहले इन्होंने एक बैग दारू बंद कर दिया, जो सपना देखे कि दारू बंद कर देंगे तो बिहार में सात ऊपर दारू बंद हो जाएगी। जब दारू बंद कर दिए, हम इनसे संपर्क किए, इन्होंने कहा कि आपकी क्षतिपूर्ति तुम्हें हम देंगे, सारे का क्षतिपूर्ति जो भी हुआ है सो हम सरकार देगी। इन्होंने कहा कि आप अंजनी बाबू से भेंट कर लीजिए, हमने अंजनी बाबू से भेंट किया, इनसे भेंट किया, आज तक इन्होंने किसी पूंजीपति का क्षतिपूर्ति नहीं दिया। जो कंपनी हम लाए थे वो कंपनी हम पर डेली दबाव बनाती है कि आप हमको पैसा दीजिए, क्योंकि आपके चलते बिहार में हमारा पैसा फंस गया, ये बाहर के पूंजीपतियों वाला बुला करके बिजनेस। आप किस घोटाले की बात कर रहे हैं 2009-10 के, जिसमें आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इन्वॉल्व है, उसका खुलासा करेंगे, क्या घोटाला था सर? देखिए सर, खुलासा अभी टेलीफोन पर कर देंगे तो उसका क्या होगा सर, उसका लिखा पढ़ी के रूप में किया जाएगा ना सर, उसका इख्तियार से निकाल लेते हैं, या आपसे किसी स्टूडियो में भेंट हो, हम अपना पक्ष रखेंगे, आप ही निकलवा लीजिएगा सर, तो उसको निकलवा कर देखा जाए कि उसमें घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है सर। तो हमको कहने का मतलब क्षतिपूर्ति आज तक हमको नहीं मिली, और हमारे जो कंपनी आई थी डेली हम पर फोन करके दबाव बनाती है कि आप हमारा पैसा दीजिए, आपके चलते बिहार में हमारा पैसा फंस गया। लेकिन आपकी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि एम्बुलेंस में तो घोटाला आपने किया है जी, कौन आदमी कह रहा है सर? जो कहा आप, ये मुझे वाइक दिखा दी है कि कहीं टूना पांडे का नाम हो सर, एम्बुलेंस की जांच हो रही है, आप जांच कराइए, क्रय समिति जो कर दी है वो घोटाला की है कि नहीं की है। उसमें सर क्रय समिति जो है, जो व्यवस्था 38 लाख की एम्बुलेंस में है, वो व्यवस्था उन्होंने 21 से 22 लाख में कर दी है सर। तो इसमें एम्बुलेंस से हमको क्या मतलब है सर, हमको तो कोई मतलब लेना देना नहीं है। नहीं, आरोप तो ये लग रहा है ना कि आपने तीन गुना दाम पर जो एम्बुलेंस खरीदी गई, क्रय समिति की तो आप भी सदस्य होंगे, आपके एमएलसी के फंड से पैसा गया है। आपको आपको सर आपको हम बता रहे हैं कि क्रय समिति में कोई माननीय सदस्य नहीं होते हैं, ये आप जानकारी के लिए बता देते हैं। और अनुशंसा तो आपने की ना कि एम्बुलेंस खरीद लीजिए, और उसके बाद तीन गुना दाम पर जब एम्बुलेंस खरीदी जा रही थी, आपको मना कर देना चाहिए था कि हमारे फंड का बेजा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपको सर आपको 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 कैसा पता है कि तीन गुना दाम पर खरीदी गई? आप अभी एक चप्पल खरीदिएगा, चप्पल की कीमत है 75 रुपया, और एक चप्पल खरीदिएगा उसकी कीमत है 4500 रुपया, तो आप 4500 का टोरियत 75 रुपये से कैसे कर सकते हैं? आप उसको टेक्नीशियन से जांच करा सकते हैं ना, जांच करा कर देखिए। और जो पार्टी खरीदी है क्रय समिति में के रहता है, उसको आकलन करिए आप। आप ऐसे आरोप डायरेक्ट क्यों लगा सकते हैं किसी जनप्रतिनिधि पर? जनप्रतिनिधि का जो अनुशंसा है। प्रकाश कुमार हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, प्रकाश कुमार भी टुन्ना पांडे जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। प्रकाश कुमार जी, एकदम पूछा
टुंडा पांडे जी, आप हमको एक बात बताइए कि आप सीधे नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि जो सरकार है उसमें एनडीए की सरकार रही है। जिस समय ये फैसला हुआ था, शराबबंदी का फैसला हुआ था, उस समय में आरजेडी के साथ थे। तो आप ये बताइए, तो जब सरकारें साथ रहती हैं तब आप सिर्फ नीतीश कुमार पर क्यों कह रहे हैं? बीजेपी के किसी नेता पर क्यों नहीं उंगली उठा रहे हैं? बीजेपी के किसी नेता पर आप क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं? इसके पीछे क्या मकसद है? क्या बीजेपी का शह है आपको? क्या बीजेपी के नेता का शह है? सर हमारी बात सुन लिया जाए, अब आपके जवाब का। सर बीजेपी ने दारूबंदी नहीं किया था, शराबबंदी नीतीश कुमार की अहंकार के चलते हुई थी। और नीतीश कुमार कोई भगवान थोड़ी है महोदय, उन्होंने हमको रोड पर ला दिया है तो क्या करेंगे, उनकी पूजा करेंगे? हम तो चरण आरती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आपको क्षतिपूर्ति देंगे, वो कैसे मुख्यमंत्री है कि अपने पास से मुकर गए, आप तक क्षतिपूर्ति नहीं दिए? हम पर हमारा सारा पैसा डूब गया, हमको हमारे ऊपर कंपनी वाले दबाव बना रहे हैं, हम अपना टॉप खेत बाड़ी बेचकर रोड पर आ गए, और नीतीश कुमार का पूजा करेंगे? आप हमको बताइए क्यों पूजा करेंगे उनका? वो हमारे को रिश्तेदार है। इस सरकार में तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नेता भी है ना, बीजेपी भी तो शामिल है सरकार में। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ में आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? हम बीजेपी शराबबंदी की नहीं सर, उस टाइम शराबबंदी की नहीं बीजेपी, हम बीजेपी के विरोध में क्यों बोलेंगे सर? नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, नीतीश कुमार ने कहा कि आपका क्षतिपूर्ति हम देंगे। तो क्या बीजेपी के नेताओं का शह है आपको? नहीं, क्यों? तो क्या बीजेपी के नेता आपको कह रहे हैं कि आप बोलिए नीतीश कुमार के खिलाफ में? कितने नेता आपको बोल रहे हैं? सर बीजेपी के किसी नेता ने हमको नहीं बोला कि आप नीतीश के अगेंस्ट बोलिए, पक्ष में बोलिए। बीजेपी के नेता क्यों बोलेंगे? हम किसी के सारे नेता थोड़ी बनाए क्या? हमको जनता चुनाव जिता कर भेजिए, नीतीश कुमार की नहीं, हम कंपा वाला नेता थोड़ी है। आपके जो एमएलसी बन करके विधायक, आप तो शहाबुद्दीन के पक्ष में बोल रहे हैं, आप तो तेजस्वी यादव का। टुंडा पांडे जी, आपको भी मैं रोकूंगा। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता सीधे जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, टुंडा पांडे पर आरोप लग रहा है और वो एम्बुलेंस घोटाले में होने का, और वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को जेल भिजवा देंगे। देखिए, बीजेपी के माननीय विधान पार्षद ने जो सवाल खड़े किए हैं, सवाल तो वाजिब है कि जनता ने, उन्होंने कहा है कि जनता ने तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत किया था, मतों का फलन हुआ, यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। तो बीजेपी के बड़े नेता के सह पर ही ये बोल रहे होंगे। बीजेपी के कई नेता जो नाराज हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, वो ये सवाल अंदर खाने उठाते रहते हैं। ये ठीक है कि सुन्ना जी पांडे जी आगे आकर के इन्होंने वाजिब सवाल खड़े किए हैं, तो ये जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो सवाल खड़े करते हैं, अब ये अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी खुद ही आदरणीय नीतीश कुमार जी के फैसले पर सवाल खड़े कर चुके हैं। कई ऐसे नेता है जो लगातार जानते हैं प्रकाश जी कि बीजेपी के नेता नीतीश कुमार जी के फैसले पर सवाल खड़े करते हैं, तो ये वाजिब सवाल है। ये जनता की बात कह रहे हैं, जो बात जनता के जहन में है वही बात वो कह रहे हैं। तो मृत्युंजय तिवारी जी, अगर पार्टी कार्रवाई करती है टुन्ना पांडे पर और उनको पार्टी से निकाल देती है, तो आपकी पार्टी उनको लपकने के लिए तैयार है? लपकने और छोड़ने का सवाल नहीं है। जब इनको पार्टी निकाल देगी क्या करेगी? इन्होंने वाजिब सवाल उठाए हैं। अगर जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो भी लोग आते हैं वो सबका स्वागत है, लपकने का क्या सवाल है? जो वाजिब सवाल खड़े कर रहे, जीतन बाबू मांझी जी ने सीधे एनडीए के घटक दल है सरकार में शामिल है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी पर सवाल खड़े किए कि जब वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तस्वीर है पांडे जी, मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि आरजेडी में स्वागत है। प्रकाश जी, हम आपसे बताना चाहते हैं, देखिए हम सत्य बोलने के लिए ही बदनाम है, ये बात अलग बात है। हमको आप जो बोले हैं कि नोटिस दे रही है पार्टी, अगर बाहर कर देगी तो क्या करेंगे? पार्टी हमको खर्ची नहीं देती है सर, हम आपके मार्फत पार्टी से कहवा देते हैं कि पार्टी खर्ची नहीं देती है सर, पहला काम। और दूसरा बात, आप हमारा आरोप सुन लीजिए नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने 2009 में दारू का टेंडर करवाया, और किस रेट में उन्होंने टेंडर दिया शराब व्यवसायियों को, और 2012 में टेंडर कराया उसी शराब को, उस किस रेट में दिया आप? उस टाइम का इंडिया टुडे में निकला हुआ था, लेकिन सरकार ने उसको दबा दिया। आप इसका जांच कराइए, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि हम किस बल पर बात बोल रहे हैं। जो पांडे जी, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी के नेता, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आप पे कार्रवाई करती है अनुशासनात्मक, आपको पार्टी से बाहर करती है, तो आपका आरजेडी में स्वागत है।
सर हमको पार्टी से बाहर होने से कोई मतलब नहीं है, हम तो पहले ऐलान कर चुके हैं कि सावधान साहब के परिवार का कोई आदमी जब तक सदन में नहीं जाएगा हम ताउम्र चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे जिला के महापुरुष माननीय पूर्व सांसद सावधान साहब का शव को मिट्टी तक प्रतापपुर का नसीब नहीं होने दिया गया नीतीश कुमार द्वारा। हम तो ऐसे ही संकल्प प्रण ले चुके हैं कि जब तक मोहम्मद सावधान साहब के परिवार के लोग जाएंगे नहीं किसी सदन में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमको किसी पार्टी में आने जाने के हमको हर पार्टी हमारा है, हमको आरजेडी जाने के लिए तैयार है आप? लगा हुआ है आरजेडी में जाने के लिए आप तैयार हैं? सर हम सब पार्टी में अभी भी हैं, अभी भी हम आरजेडी से संबंध अच्छा है, माले से संबंध अच्छा है, कांग्रेस से संबंध अच्छा है, भाजपा से अच्छा है, जदयू से अच्छा है। सर हम तो कहते हैं नीतीश कुमार जी को कि आपसे बिहार नहीं संभरेगा, आप उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा कूद रहे भाई उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दीजिए, आरसीपी सर को बना दीजिए मुख्यमंत्री, कम से कम बिहार तो चले, पहले जो आप कहते थे सो करते थे, अब आप कुर्सी बचाने के चक्कर में किसी को जेल भरवा दे रहे हैं, किसी के पीछे आईडी साईडी लगा दे रहे हैं आप, अब हमारे पीछे आप पड़िएगा, पप्पू जी को आप अंदर भेजवा दिए, जो सच बोलेगा उसको आप चुप करा दीजिए। चलिए टुन्ना पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो टुन्ना पांडे को बीजेपी ने नोटिस सर्व कर दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने को लेकर, और अभी भी तेवर टुन्ना पांडे के जो है वो बेहद कड़े बने हुए हैं, जबकि मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने सीधे सीधे ऑफर कर दिया कि अगर कार्रवाई करती है पार्टी से बाहर करती है बीजेपी टुन्ना पांडे को तो उनका आरजेडी में स्वागत। ABP News, आपको रखे आगे।